दोस्तों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के स्टाइलिश सुपरस्टार यानी कि अल्लू अर्जुन की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि पुष्पा को लेकर अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा मेरे भाई कि ये जो फिल्म है ना वो इस साल जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई ना जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कलेक्शन किया था उन सभी फिल्मों का रिकॉर्ड महज कुछ ही दिनों में तोड़ने वाली है। यानी कि भैया इन दिनों जिस तरीके से पुष्पा को सपोर्ट मिल रहा है बॉक्स ऑफिस पर उसको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि पुष्पा जो है वो महज पहले ही वीकेंड में मेरे भाई पहले ही वीकेंड में 100 करोड़ का आंकड़ा इंडिया से ही पार करने वाली है बॉक्स ऑफिस पर। तो भाई कैसे होगा ये चमत्कार चलिए मैं आपको बताता हूं आज की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के माध्यम से। यानी भैया आज इस फिल्म को कितने का कलेक्शन मिल सकता है चलिए मैं आपको बताता हूं आज की ऑक्यूपेंसी प्रिडिक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के स्टाइलिश सुपरस्टार यानी कि अल्लू अर्जुन की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि भैया पुष्पा के पार्ट वन से। तो दोस्तों पुष्पा को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों के सामने आज आ चुकी है कि भैया इस फिल्म ने आज इंडिया से जो कलेक्शन किया है बॉक्स ऑफिस पर भैया वो आंकड़ा है 45 करोड़ 45 लाख रुपए का। और भाई इस बेहतरीन प्रदर्शन के माध्यम से पुष्पा ने अपना पावर बॉक्स ऑफिस पर दिखा दिया जिसको देखते ही हर कोई ये बोल रहा है कि भैया इस फिल्म का पहला वीकेंड भाई बहुत ही शानदार रहने वाला है। और भाई ऐसा ही कुछ प्रेडिक्शन रिपोर्ट आया है मेरे भाई आज के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के माध्यम से। यानी भैया आज पुष्पा को मॉर्निंग शो में जो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट मिला था ना यानी कि जो ऑक्यूपेंसी मिला था लोगों का जो फुटेज टेप देखने को मिला था सिनेमा घर में वो था 53.57% का। यानी कि भैया ये मॉर्निंग के शो का ऑक्यूपेंसी रेट था। उसके बाद आफ्टरनून के शो में इस फिल्म को 67.17% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला आफ्टरनून के शो में यानी कि भैया जंप हुआ ऑडियंस मतलब बढ़ी दूसरे शो में। उसके बाद भैया इवनिंग के शो में फिर से ऑडियंस की भीड़ में इजाफा हुआ यानी कि भैया इवनिंग के शो में इस फिल्म को 76.67% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला और इसके माध्यम से इस फिल्म को आज ओवरऑल पूरे दिन में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो है 65.80% का। और भाई इस बेहतरीन ऑक्यूपेंसी रेट के माध्यम से ये जो फिल्म है आज बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन करने वाली है वो आंकड़ा है भैया 28 से 35 करोड़ का। यानी कि भैया ये फिल्म आज ही बॉक्स ऑफिस पर 75 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली है मेरे भाई। यानी कि आज 75 करोड़ और कल 100 करोड़ पार। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भाई पुष्पा को जिस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है बॉक्स ऑफिस पर उसको देखने के बाद आपको क्या लगता है क्या ये फिल्म 2021 की वो पहली फिल्म होगी जो कि बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा बहुत ही आसानी से पार कर लेगी। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारंट जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।